तो यार बहुत चीजें चल रही हैं अभी, इट्स लाइक मिक्स्ड फीलिंग, थोड़ा खुशी है थोड़ा दुखी है। फाइनली गाड़ी दिखाते हैं जरा बाहर से। सो गाइस दिस इज अ कार लगे हुए हैं, देखो जरा कमरा है पूरा कमरा। यहाँ तो बेड डाल लो इधर तो पूरा। हाँ सही ही रहेगा बिकॉज कुलदीप इंडिया जा रहे हैं। क्रिसमस हो गया है ओवर, न्यू ईयर ऐसे मुंह सा उसने चिढ़ाया मुझे करके और फिर चले। होगा किसी का मूड खराब होगा, क्या करें। You have to help each other. Yeah. Gold हम कहीं smuggle करने जा रहे हैं। इंडिया जाने की सवारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, सामान तैयार हो चुका है। सो गाइज यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज का एक तड़का टाइप का बना लिया है और इसको मैं ना अच्छे से मैंने सॉटे कर लिया है, जैसे हमारी इंडियन ग्रेवीज में डलता है ना प्याज टमाटर, तो हर चीज़ में ही डलता है। तो आई थॉट ये बना के रख लेती हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा बिकॉज कुलदीप इंडिया जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी मैं प्लानिंग करके रखती हूँ कि अगर मैं कुछ भी दाल सब्जी टाइप बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा यू नो ऑलरेडी दिस इज़ लाइक पका हुआ तड़का, तो आई कैन जस्ट ऐड इट टू दाल सब्जी। और मेरे लिए बहुत बिजी होने वाला है, दो बच्चों के साथ साथ में ऑफिस का काम, मेरे घर का काम, तो थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है यार इंडिया जाने से पहले। सो गाइज यहाँ पे ना ये चीज़ें आ गई हैं जो हमने नहीं मंगाई थी। कुलदीप ये कौन सी चीज़ें हैं? ये है क्लासिक आलू पफ पैटीज, चीजी कॉर्न पफ पैटीज, कुछ नया है यार हल्दीराम का। मुझे लगता है ये सब चीजें इंडिया में भी नहीं मिलती। दिस इज नाइस यार, दिस इज नाइस, बनी बनाई होती है, इनको सिर्फ एयर फ्रायर या ओवन में बेक, एयर फ्रायर में हो जाता है। तो गाइज ये एयर फ्रायर ओवन दोनों में ही हो जाता है और काफी एकदम आपको इसको कुछ फ्राई व्राई कुछ ऑयल कुछ नहीं करने होते, इट्स ऑलरेडी लाइक आपको जस्ट बेक करो विदाउट ऑयल, एयर फ्रायर में डाल दो या ओवन में डाल दो। में ये भी आए हैं, ये आए हैं कॉस्को से वेजिटेबल स्प्रिंग रोल, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और मैं कुलदीप को ये कहती जाने से पहले एक डब्बा तो यहाँ होना ही चाहिए क्योंकि वी वर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। तो ये आ गया है और यहाँ पे बन रहा है पालक, ये बन रहा है आज के लिए, ये कोई स्टॉकअप नहीं करने वाली हूँ जैसे वो तड़का मैं बता रही थी। जबीर का फेवरेट है पालक पनीर, तो यार आज हम अबीर को करेंगे खुश, 2023 को करेंगे बाय पालक पनीर खाते हुए। तो गाइज यहाँ पे हो रही है शाही पनीर बनाने की तैयारी, आज इतना खाना बना है जैसे कोई आ रहा हो, बट ये सब इंडिया के जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे कुछ भूखे लोग रहेंगे। क्रिसमस हो गया है ओवर, तो हम लोग सोच रहे हैं सारी डेकोर आज उतार देते हैं, तो ये क्रिसमस का रेथ एंड दिस बो एवरीथिंग नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगी, तो इसे अच्छे से प्रॉपर हम स्टोर करके रखने वाले हैं। अभी कुलदीप तुम्हें हेल्प चाहिए? आई कैन हेल्प यू। ओके उठाओ, ये सारा सामान जा रहा है हमारे बेसमेंट में, इधर स्टेयर पे रख रही हूँ, ठीक है ले लेना। ओके तो यहाँ पे बन रहा है मेरा पालक पनीर, कितना अच्छा कलर है ना, एकदम प्रॉपर वाला पालक पनीर वाला कलर, बट इसे अभी थोड़ा पकना जरूरी है। शाही पनीर का भी तो इन मेकिंग है शाही पनीर, तो देखने शाही पनीर का कलर वर्सेस पालक पनीर का कलर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत देर से पीछे के बिहाइंड द सीन्स देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं घर में, कैसे कैसे तैयारियां चल रही हैं कुलदीप के जाने की। कुलदीप इंडिया जा रहा है, उसके जाने की तैयारियां, हम लोग उसकी तैयारियां तो हो गई हैं, बट हमारी तैयारियां वो हो रही हैं कि हमें पीछे से कोई ऐसी दिक्कत परेशानी ना हो, उसके एब्सेंस में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जैसे कुकिंग का मैंने दिखाया था, बहुत सारी कुकिंग हम लोगों ने, बहुत सारी तो नहीं बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें करके रखनी है थोड़ी अपनी सहूलियत के लिए, कि चीज़ें पीछे से थोड़ी सी स्मूथ रहे मेरे लिए बच्चों के साथ। कल फर्स्ट है तो कुलदीप तो निकल जाएगा, ये ब्लॉग थोड़ा दो चार दिन लेट आएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप यू गाइज अपडेटेड, ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज मेरे पीछे के बैकलॉग बहुत चल रहे हैं, तो पहले मैं बैकलॉग वाले ब्लॉग्स डालूंगी, उसके बाद ये दो तीन दिन बाद आएगा, बट विच इज़ फाइन। यार इसी नोट पर अभी हम लोग निकल पड़े हैं, मौसम के हाल कुछ ऐसे हैं, क्लाउडी है बट सनी नहीं है, बिल्कुल भी सनी नहीं है, और ठंड ठीक ठाक है। मैंने पहना है इंडियन क्यों पहना है मैंने, साल के एंड वाले दिन इंडियन इसे पहना है दोस्तों, क्योंकि हम जा रहे हैं मंदिर, हम लोग हमेशा न्यू ईयर पे मंदिर जाते हैं 1st ऑफ जनवरी को,
बट इस बार कुलदीप नहीं होगा, कुलदीप अर्ली मॉर्निंग निकल जाएगा, अपनी फ्लाइट मतलब उसकी न्यूयॉर्क से फ्लाइट है। तो हम लोगों ने सोचा 31st को 2023 को भी अच्छे से बाय कर देते हैं, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज दी हैं, लाइक ऑलवेज थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड, जो भी भगवान ने दिया है अच्छा दिया है। आई होप आप लोगों का भी ये साल अच्छा गया हो और आने वाला साल अच्छा जाए। दोस्तों सबको बहुत बहुत बधाई हो नए साल की, और बस निकलते हैं अब, इतना ज़्यादा मैं भाषण दे दूँ कुलदीप, मुझे बोलेगा कि फटाफट गाड़ी में बैठ जाओ। अब हम लोग मंदिर से पहले ट्रेडर जोस जाएंगे ना, हाँ ट्रेडर जोस, क्योंकि इट्स न्यू ईयर्स ईव तो चीज़ें जल्दी बंद होंगी, एंड आई हैव टू पिक सम फ्रूट्स अबीर के स्कूल के लिए। तो दो बच्चों के साथ इट्स रियली डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट, मुझे था कि ये नमूना मिल जाता है। तो कुलदीप आज किस गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग? ये गाड़ी हमारी अपनी नहीं है, ना तो ये रेंज रोवर है ना ऑडी है, बहुत बड़ी मिनी वैन है, पीछे से कितनी जगह है। अबीर यही कह रहा था, ओह आई कैन प्ले हियर, पीछे इट्स लाइक स्पेस इज ह्यूज, मतलब इतनी पीछे तक जा रहा है ये। क्या है ये, ये वो गाड़ी है जो हम जिसमें हम जब फर्स्ट टाइम यूएस आए थे तो फर्स्ट टाइम इसी गाड़ी में बैठे थे। अच्छा, हाँ वही है। क्या नाम था इसका? क्राइसलर पैसिफिका। इतना सामान आया था इसमें, बड़े हमारे 8 सूटकेस थे शायद, बड़े 8 बड़े सूटकेस जब हम इंडिया से आए थे। यस बेटा, यस अबीर, हाँ जी बेटा, मैजिकल कार मींस राइट इट टर्न्स, कंटिन्यू करोगे। कितने बैग्स आए थे इसमें? 8 फुल साइज बैग थे, 3-4 छोटे छोटे बैग थे, और अब ना और 3-4 तुम्हारे पॉलिथिन भी होंगे। 8 फुल साइज बैग, जस्ट इमेजिन, बिकॉज़ हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और वो भी मतलब इतना सामान था कि पीछे वाली भी एक सीट डाउन करी थी हम लोग। आई रिमेम्बर कुलदीप की फ्लाइट है न्यूयॉर्क से, तो उसने आज ये गाड़ी रेंट करी है न्यूयॉर्क जाने के लिए। आज हमें अपनी क्रिसमस की डेकोरेशन भी आप लोगों ने देखा था सुबह मॉर्निंग से, हम लोग थोड़ा रैप अप करने लगे हुए हैं, बिकॉज फिर आने के बाद बहुत लेट हो जाएगा, कुलदीप 15-16 के अराउंड आएगा, सो इट वुड बी टू लेट, तब तक कौन लगा के रखेगा ये डेकोरेशन। यार यहाँ पे लोग सूट मतलब इंडियन पहन के अगर कोई देखता ना यहाँ पे, स्पेशली अमेरिकन काफी खुश होते हैं, बट अभी ना एक बंदी गई कोई, हाँ जैसे पता नहीं मैंने उसका सूट पहन लिया, आई डेंट लाइक इट एट ऑल, ऐसे मुंह सा उसने चिढ़ाया मुझे करके, और फिर चले गए। क्या कह रहे हो? वैसी होगी कोई, हाँ वैसे होगी। यूजुअली तो लोग खुश होते हैं कि हाँ मतलब काफी ब्राइट कपड़े पहनते हो, यू नो दे सीम हैप्पी, और कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं बहुत ज्यादा, बट होगा किसी का मूड खराब होगा, क्या करें। चलो जी लोगों को सरप्राइज करते हैं अंदर जाके, अभी तो अंदर लोग मुझे देखेंगे। यार ये तो रेंटल गाड़ी है ना इसलिए, हाँ हाँ हम तो एक आधी बॉटल ना ना आगे तो काली वाली आगे, जिस गाड़ी में 200 बैठ के आए गाड़ी का भी पता मुझे, बट हाँ बैठ के जरूर आएंगे। काली वाली, काली सफेद वाली नहीं, सफेद में बैठ जाओ, स्टार्ट ही है ये ब्लू है। तो फाइनली गाड़ी दिखाते हैं जरा बाहर से, तो गाइस दिस इज अ कार, इसकी डिग्गी दिखाना तुम नीचे से, नीचे हैंडल हमारे रेंज रोवर में ऐसे वाला है ना थोड़ा, आप सेंसर्स लगे हुए हैं, देखो जरा कमरा है पूरा कमरा, यहाँ तो बेड डाल लो इधर तो पूरा, इट्स अ रूम, पूरा डबल बेड आ सकता है, एक टेबल आ सकती है, पार्टी हो सकती है न्यू ईयर की यहाँ पे, और लाइट लगा देते हैं, हमने यहीं पे लाइट लगा दी, यहीं पार्टी होगी, म्यूजिक भी आ जाएगा यहीं से, करेक्ट स्पीकर लगे हुए हैं, यहीं एक डिफरेंट तरह का न्यू ईयर मनेगा। चले मंदिर वहाँ जाके जय जय करनी है, पंडित जी को नमस्ते करनी है, ओके बेइज्जती मत करा देना इस बार, सबको सिखा के लेके जाते हैं। चलो अबीर आराम से बैठो, सीट बेल्ट लगाओ अपनी पहले तो सारी। सो गाइस गाड़ी तो आप लोगों ने देख ली, इस गाड़ी में कल मिस्टर सिंह जाने वाले हैं न्यूयॉर्क, देखते हैं
यहाँ पे मुझे बहुत सारे फिरंग मिले अंदर स्टोर में, आगे पीछे मैं जाती हूँ कभी कोई मुंह नहीं चढ़ा था, पता नहीं उसने मेरा मूड खराब कर दिया मुंह चढ़ा के, लेकिन अंदर जो जितने लोग मुझे मिले, मुझे ट्रेडर रोड में सब मुझे बहुत अच्छे से देख रहे थे, कॉन्फिडेंस दे रहे थे, अपने मुंह से स्माइल निकाल रहे थे। इस मंदिर पहुंच के हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना पार्किंग में क्या एक ही गाड़ी है मंदिर में, पूरे मतलब मंदिर में ये भी गाड़ी हमारी है जो हम लोग लेकर आए हैं, और कोई भी वो पंडितों की गाड़ी खड़ी होती है क्योंकि वो जो अपार्टमेंट्स हैं वो हैं पंडितों के, जो पुजारियों के, बट यहाँ पे पार्किंग लॉट में एक भी गाड़ी नहीं, जस्ट अभी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि सच में मंदिर में हम ही हैं और कोई नहीं है, मतलब यार मतलब ऐसा पहली बार हुआ, बिकॉज यहाँ का पार्किंग लॉट भरा रहता है बिकॉज दिस इज अ बिग मंदिर। यहाँ वीर सिंह उछलते हुए, चलो आगे चलो। हाँ नहीं मुझे भी नहीं पता था, वैसे पंडित जी को फोन कर सकते थे, बट ठीक है चलो दर्शन मतलब ऐसे नहीं है, बट रात हो गए। ट्वेंटी 2023 तो बढ़िया रहा हमारा, यस सर यस, करेक्ट। सो गाइज दिस इज़ अ मंदिर जहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी की पूजा करी थी, और यहाँ के पुजारी जी जो हमें काफ़ी अच्छे से जानते हैं थी, तो पंडित जी यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, वो पंडित जी के क्वार्टर्स हैं, पंडित जी वहाँ पे रहते हैं। अब हम लोग घर जा रहे हैं। तब अबीर सिंह, यस, आर यू एक्साइटेड? मम्मा और अबीर 15 दिन इकट्ठे रहने वाले। मम्मा सो एक्साइटेड, मम्मा की डांट खाने के लिए आर यू एक्साइटेड? Abir and Mama will have so much fun, right? Yeah. Right? Hindi samajh. This is a lovely car. This is a lovely car? Yeah, I love it. It's new. अपनी गाड़ियाँ पसंद नहीं आती, टैक्सियाँ पसंद आ रही हैं। कहते हैं this is a lovely car, Kuldeep. Can you please wear your seatbelt? Seatbelt पहन लो अपना. पहन लो. Of course. यहाँ. I cannot wear my diaper. Abir. ओके मैं इसे थोड़ा सेट करती हूँ दर्शकों, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, इनको थोड़ी सेटिंग की जरूरत है। मेरे लिए काम और आ गया है जो कि ऑलरेडी लाइनअप था आज के लिए, आया नहीं है, मैं ही लाने वाली थी। ये जो हमारा सुंदर सा क्रिसमस ट्री है जिसको हमने बहुत प्यार से सजाया था, इस साल इनका काम हो गया है डन। अब हम इन भाई सबको रखेंगे अंदर, नेक्स्ट ईयर इन्हें इससे भी ज्यादा और ब्यूटीफुली सजाएंगे। बाय बाय क्रिसमस ट्री, अब इसकी एक्सेसरीज उतारते हैं यार, दिस इज वेरी हार्ड वर्क ना, है ना अभी, और इस हार्ड वर्क कैसे करना चाहिए, यू हैव टू हेल्प ईच अदर, या हेल्प ईच अदर। और यहाँ मम्मा को बोल, मम्मा बात करना बंद करो, वीडियो बंद करो, मेरी हेल्प कर दो, वीडियो बंद करो एंड हेल्प मी। ओह मेरा बेटा, मेरे कमीरे लड़के को देखो पता है कौन से बॉक्सेस में जाएंगे। All set? Yes, all set. कुलदीप भी ऐसे बात कर रहा है जैसे ना शिप पे माल वो नहीं हो स्मगल होता है, ऑल कंटेनर्स आर सेट, जैसे वो गोल्ड हम कहीं स्मगल करने जा रहे हैं, सारी क्रिसमस एक्सेसरी स्मगल करने जा रहे हैं हम लोग, और अगले साल मिलेंगी ये हमें, है ना अभी, है ना, और क्रिसमस ट्री जाएगा हमारा इस वाले उसमें, और नीचे से क्रिसमस ट्री भी ये इसकी स्कर्ट भी मूव करनी क्रिसमस। कितना कितना स्पार्कल्स और कितना ये छोड़ के जाता है ना, कुलदीप तुम जा रहे हो देखो पीछे से इसकी नजर बता रही है मुझे, शैतानी वाली नजर बता रही है मुझे, नहीं करेगा तुम्हारा, आंखों में ना चमक सी है कुलदीप, करेक्ट, ये बताता है कि मैं कितना नॉटी होने वाला हूँ, नॉटी होने वाले फिल्म क्या कहेंगे। कोई बात नहीं कुलदीप तुम जाओ, और हम फिर क्या गाना गाएंगे, हस हस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सुनम मेरी कुर्ती देखो जरा आज ऐसी चीटिंग हो रही है भाई लोगों, आज चल रहे हैं देखो स्प्रिंग रोल, अनियन रिंग है, डीप फ्राइड नहीं है, दीज ऑल आर एयर फ्राइड है। कल कुलदीप को निकलना है सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो हम लोग थोड़ा अर्ली वाइंड अप करेंगे, और तो यार बहुत चीजें चल रही हैं अभी, इट्स लाइक मिक्स्ड फीलिंग, थोड़ा खुशी है थोड़ा दुखी है, बट यस ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज गुड।
यू गाइस स्टे ट्यून फॉर मोर फन. आई होप आप लोगों का न्यू ईयर अच्छा जा रहा हो और यार लाइक सब्सक्राइब करते रहो. मिलते हैं जल्द. अभी आपने लिखा चाची के लिए मैसेज. हैप्पी बर्थडे चाची. C-H-A-C-H-I. अबीर इज राइटिंग मैसेज फॉर हिज चाची. ओके भाई तुम समझ जाना अभी. हैप्पी बर्थडे चाची. यू गाइस कैन सी पूरा सामान तैयार है. इंडिया जाने की सवारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है. सामान तैयार हो चुका है. पैक हो चुका है. बस फ्लाइट उड़ने को तैयार है जो कि कल उड़ेगी 12:30 बजे के आसपास. और कल सुबह 6:30 अर्ली मॉर्निंग कुलदीप निकल जाएगा न्यूयॉर्क के लिए. यार इट्स डिफिकल्ट टाइम बट आई एम गोइंग टू मिस हिम. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. स्टे ट्यून्ड. कल 6:30 मेरा व्लॉग होने वाला है स्टार्ट. और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही. बाय बाय.